हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक चैनल और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह से ट्रॉन लिंक वॉलेट से TRX कॉइन को कुकॉइन एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहां पर ट्रॉन लिंक वॉलेट को ओपन करना है। जैसे ही आप यहां पर ट्रॉन लिंक वॉलेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऊपर TRX कॉइन ट्रॉन कॉइन आ जाएगा। आपने इसे सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो नीचे से आपने सेंड बटन पर जाना है। सेंड बटन पर जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपने रिसीविंग एड्रेस आपने यहाँ पर पेश करना है जिस पर आपने ट्रॉन कॉइन ट्रांसफ़र करने हैं। इसके बाद आपने यहाँ से एक्सचेंज में जाना है। एक्सचेंज ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले नीचे एसेट्स में जाना है। एसेट्स को ओपन करने के बाद आपने डिपॉजिट बटन पर जाना है और इसके बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में TRX कॉइन ट्रॉन कॉइन को सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पे TRX टाइप करेंगे तो यहाँ पर ट्रॉन कॉइन आपके सामने आ जाएगा। आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट नोट दे रहा है तो उसके बाद आपने यहाँ से गोडिट करना है। इसके बाद आपने नीचे से TRC20 जो ट्रॉन का ऑफिशियल नेटवर्क है आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने TRX का जो डिपॉजिट एड्रेस है उसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से एक्सचेंज को आप मिनिमाइज कर दें और अपने ट्रॉन लिंक वॉलेट में जाएँ। ट्रॉन लिंक वॉलेट में जाने के बाद आपने यहाँ पर रिसीविंग एड्रेस जो है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपने नीचे से एक मरतबा नेक्स्ट करना है और इससे पहले आपने एक मरतबा एड्रेस को चेक कर लेना है कहीं पर एड्रेस गलत ना हो जाए। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट टाइप करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से अमाउंट टाइप भी कर सकते हैं। अगर सारी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पर मैक्स करेंगे। मैक्स करने के बाद आपने नीचे से सेंड बटन पर जाना है। जैसे भी यहाँ से सेंड करेंगे तो इसके बाद आपने एक मरतबा यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपने अपने वॉलेट का जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो देना है और इसके बाद यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन है वो ब्रॉडकास्टिंग में जाएगी और इसके बाद यहाँ से जो ट्रांजैक्शन है वो कम्प्लीट हो जाएगी। आपने यहाँ से डन भी कर सकते हैं और व्यू ट्रांजैक्शन पर जाकर अपनी ट्रांजैक्शन को चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिसीविंग एड्रेस है वो 2 में लिखा हुआ है। आप यहाँ से एड्रेस को देख सकते हैं। इसके बाद आप यहां से इसको वॉलेट को क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप अपनी एक्सचेंज में जाएं। एक्सचेंज में आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर मुझे नोटिफिकेशन मिल गया है कि आपका जो भी ट्रॉन कॉइन है वो आपकी एक्सचेंज में डिपॉजिट हो गया है। अब आप यहां से एक मरतबा बैक करें। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉन कॉइन है वो मुझे कुकॉइन एक्सचेंज में रिसीव हो गया है। आप यहाँ पर अगर ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करें। जैसे ही आप यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 49.81 जो ट्रॉन कॉइन थे मैंने ट्रांसफ़र किए थे वो मुझे एक्सचेंज में रिसीव हो गए हैं। तो आप इस तरह से ट्रॉन लिंक वॉलेट से कुकॉइन एक्सचेंज में ट्रॉन कॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।